सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने अपना जो हैंड फ्री है वो रूम पे ही रख के चला आया हूँ और मैं हूँ अभी रोड पे। फिलहाल आज मेरा इंडिया वापस जाने का दिन है, तो आज लास्ट डे है बस यहाँ इंजॉय करने का। तो मैं अभी जा रहा हूँ चिकन लेने, चिकन मैं यहाँ से ख़रीदूँगा। और यहाँ होटल्स काफ़ी सारे हैं जैसा मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, तो मैं वहीं पर कुक कराने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी चलते चिकन लेने। तो गाइस इधर है शॉप, मैंने ले लिया चिकन। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ होटल पे जहाँ पे मुझे ये कुक कराना है। एक्चुअली छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है। यहाँ चिकन देने का तरीका जो है मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो थोड़ा सा स्किन को बर्न करके देते हैं उससे टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाता है। फिलहाल इंडिया में तो स्किन वाला देते ही नहीं है, तो इससे टेस्ट में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको होटल पहुँच के। आ चुका हूँ यहाँ होटल पे। फिलहाल ऐसा छोटा सा कुछ होटल है। यहाँ पे जो मोस्टली बिजनेसेस हैं, मतलब जो छोटे छोटे होटल्स हैं, शॉप्स हैं, वो 90% जो है कि लेडीज़ें रन करती हैं। और यहाँ के जो जितने भी मेल्स होते हैं वो फॉरेन में जॉब करने निकल जाते हैं। तो और यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे भी बियर है, वाइन है, सब कुछ है यहाँ पे, होममेड वाली भी हैं। तो ये सब चीज़ें यार यहाँ पर नॉर्मल है, समझ लो यहाँ एक तरह से सरकार चली इसी पर रही है। तो अब मैंने यहाँ पे ख़रीद के लाया हूँ, यहाँ दे दिया है। और यहाँ कुक करने का चार्ज बहुत हाई है। फिलहाल मैंने जैसे 1 kg का ये लोग 200 rupees नेपाली चार्ज करते हैं, इंडियन देखा जाए तो 100-120-130 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो इतना चार्ज तो ये लोग पकाने का ही ले लेते हैं, बाकी रोटी चावल अलग। तो फिलहाल अभी बन जाता है, फिर मैं दिखाता हूँ ये कैसा बनाते हैं आप लोग। ओके, A few minutes later. ये बन गया है, देखो ऐसा बनाया है मैंने इसमें। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं खाने, ये भैया भी हमारे साथ में, तो खा के फिर बताएंगे कैसा है इसका टेस्ट, फिर मिलते बाद में। A few hours later. तो दोस्तों होटल से खाना आना खाने के बाद हम लोग सीधा निकल लिए थे यार, क्योंकि घर जाने की बहुत जल्दी हो रही है। अब खाना पीना वैसे काफ़ी अच्छा था, और हम लोग अब बैग जैसे मैंने टांग लिया है और हम लोग जा रहे हैं अब घर की ओर। पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे रुपेडिया बॉर्डर जो है, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो अब मैं रोड का सीन दिखाते हुए चलूँगा। ओके गाइस, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है जिसे यहाँ पे चाउ चाउ बोलते हैं। बेसिकली ये नेपाल की मैगी है। तो यहाँ पर लेने आए हैं, ऐसा कुछ दुकान है, चिल्किन की शॉप है, तो यहीं से ले रहे हैं यार, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो यार ले लिया है अब चाउ चाउ भी, पूरी एक पेटी मिली है 530 रुपए की, जो कि इंडिया के हिसाब से कितने की पड़ेगी यार, 300 कुछ रुपए की। तो अब सीधा हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर के लिए। ओके, हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में और फिलहाल जा रहे हैं रुपेडिया बॉर्डर। बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है, चलो अब बॉर्डर पहुंचते, रास्ते में दिखाऊंगा यार। यहाँ बहुत चेकिंग होती है रास्ते में, आज दिखाते हुए चलूंगा। जब मैं आया था तब मैंने स्किप कर दिया था, बट आज ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि व्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने को रहा नहीं है, लंबा तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ दिखा के। तो मिलते हैं अभी रास्ते पर और आगे। तो मैं आ चुका हूँ नेपाल बॉर्डर पर। फिलहाल रास्ते का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यार गर्मी बहुत तेज़ है एक तो, और आगे मना भी है, तो अभी बंद कर रहा हूँ इसे। वीडियोग्राफी मना है तो बंद कर रहा हूँ अभी इसे, आगे बनाता हूँ। फिलहाल बॉर्डर देख लो यार इसके आगे, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो यार यहाँ पे हो गई सीमा समाप्त और यहाँ से लग जाएगा अब इंडिया। देख रहे हो अभी हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस किया है। यहाँ पे हम लोग को एक ये प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल मिल गया है। 500 रुपये चार्ज लग रहा है, काफ़ी फास्ट पहुँचा देगा यार, होंडा सिटी है। मैंने सोचा चलो इसी से निकल ले, अपना आराम से पहुँच जाएंगे टाइम से। पैसे ज़्यादा 625 रुपए बोल रहे थे, बट मैंने 500 रुपए में फ़ाइनल कर लिया है। फिलहाल चलो अब मज़े लेते हुए चलते हैं होंडा सिटी के। यहाँ का सीन है, एक ये उधर चेक पोस्ट है, अभी हम लोग इधर से चेकिंग करा के आए हैं। फिलहाल ये खड़ी है गाड़ी। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, और फिलहाल अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे, एक कोई ढाबा बना है वहाँ पे खाना खाने। तो
ब्रेक हुआ है तो खाना पीना खा लेते हैं यार। फिलहाल अब खाना पीना खा के मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि यार कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, फिर वही चीज़ें मैं क्या बार बार दिखाऊँ यार। नेपाल की याद तो बहुत आएगी, काफ़ी अच्छा टाइम बीता वहाँ पे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई नेटवर्क को लेके, बस इशू हुआ, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा टाइम गया मेरा। खाने पीने में भी यार मेरा फेवरेट चिकन मिला तो मुझे तो मज़ा आएगी। वेज के बड़े मारा मारी यार, यार वहाँ पे वेज ढूंढना पड़ता है, मतलब काफ़ी ढूंढना पड़ता है। हम लोग वेज ढूंढने के लिए मैं काफ़ी घूमा हूँ, तब बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। हालांकि उसका व्लॉग में दिखा नहीं पाया क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं। देखता है अब कब आना होता है फिर नेपाल। चलो ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जो भी हो शेयर कर देना अच्छा लगा हो तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।